नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस की। बता दें कि तुनिशा शर्मा के केस में लगातार पुलिस सबूतों को खंगाल रही है, लगातार इस मामले से जुड़े हर एंगल पर छानबीन कर रही है और अब इसी कड़ी में लगातार सवाल उठ रहा था शजान खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड को लेकर। जी, आपको याद दिलाना चाहेंगे कि तुनिशा की नए बॉयफ्रेंड से पहले शजान खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड का जिक्र कई बार हो चुका है। यहाँ तक कि पुलिस शजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड का पता लगा चुकी है और उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर चुकी है, लेकिन अभी तक शजान खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की आइडेंटिटी पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं की है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अब तुनिशा शर्मा के केस में शजान खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड ही बड़े राज खोल सकती है। दरअसल आपको बता दें कि तुनिशा के निधन के 1.5 घंटे बाद शजान ने अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड से फोन पर बातचीत की थी। इस बात का खुलासा शजान और सीक्रेट गर्लफ्रेंड की रिट्रीव हुई व्हाट्सएप चैट से हुआ है। अब ऐसे में सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिरकार इस रिट्रीव हुई व्हाट्सएप चैट में क्या सामने आया है, क्या अब व्हाट्सएप चैट का खुलासा हाईकोर्ट में हो पाएगा, क्योंकि साफ तौर पर इस केस में शजान और उनका परिवार बुरी तरह से फंस चुका है। ऐसे में ये रिट्रीव हुई व्हाट्सएप चैट ही तुनिशा शर्मा के केस में शजान खान को जमानत दिलवा सकती है। तो अब यही देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या अब ये सीक्रेट गर्लफ्रेंड ही शजान खान को तुनिशा शर्मा के केस में जमानत दिलवा पाएगी या नहीं। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी तुनिशा शर्मा के केस से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ के साथ।